अभी है ना हम लोग रिग्रेशन लाइव सीखेंगे एक्सेल के थ्रू, जो भी हमने टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ाया था यहाँ पे बोर्ड पे, वही हम लोग अभी एक्सेल पे करेंगे। सब कुछ है ना ऑटोमेटेड रहता है, एक्सेल करके देता है। हमारा काम है इंटरप्रिटेशन, ना कि उसका एक्चुअल सम्स निक करना, सॉल्व करना। सॉल्व ऑलरेडी करके मिलता है, तो हम लोग, मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ये भी बता दूंगा। डेलिब्रेटली व्हाट आई हैव डन इज, एक्स हमारा क्या है इंडिपेंडेंट, वाई अपना डिपेंडेंट। एक्स में क्या है मार्केट, वाई अपना डिपेंडेंट है नेस्ले इंडिया या कोई कंपनी। मैंने क्या किया डेलिब्रेटली मार्केट रिटर्न्स को क्या किया है, 1-1% से बढ़ाया, 10% से, 1-1-1-1%। नेस्ले को 12 से लेके 2% करके बढ़ाया। सो बेसिकली ये दोनों का कोरिलेशन क्या रहेगा, 1, क्योंकि ये अगर 1% से बढ़ रहा है तो ये 2% से बढ़ रहा है, तो इन लोगों का कोरिलेशन कितना है, 1 का कोरिलेशन है। यानी कि 100% ऑफ चेंजेस इन वाई कैन बी एक्सप्लेन थ्रू चेंजेस इन एक्स। तो इसका आर स्क्वेड, इसका कोरिलेशन आर क्या रहेगा, 1, आर स्क्वेड क्या रहेगा, 100%। समझा? अभी इसको है ना सबसे पहले ना स्कैटर प्लॉट पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, ग्राफ ग्राफ में। तो क्या करने का है, अभी इसको कैसे किया मैंने शॉर्टकट्स, वो सब बाद में जब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कराऊंगा तब मैं सिखा दूंगा कैसे करने का। अभी सिर्फ देखो, कंसेप्ट समझो। दिख रहा है आपको ये एक्सिस, दिख रहा है? अगर आप देखोगे ये प्रॉपर लीनियर ही है, तो इसमें बेस्ट फिट लाइन तो सिंपल है ना, यही लाइन होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट फिट लाइन डलवाया है मैंने। मतलब ये जो डेटा लिया है ना वो कोरिलेशन 1 है बाई डिफॉल्ट, तो यही मेरा बेस्ट फिट लाइन होगा। तो बेस्ट फिट लाइन अगर करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड ट्रेंड लाइन करेंगे तो आ जाता है। तो अगर ऐसे भी करूँ तो देखो उसी पे लाइन पे आ रहा है एग्जैक्ट। समझ में आया क्या? ये सिर्फ यहाँ से हटा देता हूँ, समझा? तो ये भी एक स्कैटर प्लॉट है। एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा ना डेटा, इतना अच्छे से डेटा प्लॉट होगा क्या? नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये 368 रो पे है ना, अगर मैं ये एक्चुअली लेवल 2 के लिए भी मैं करवाता हूँ ना, तो अगर मैं ऐसे कुछ डेटा पॉइंट डालूँ एक्स और वाई, अगर इसका स्कैटर प्लॉट निकालूँ मैं, तो देखो ऐसे आ रहा है। इसका बेस्ट फिट लाइन अच्छा आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन इसका बहुत कम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे डेटा देखना है, अभी मैंने डेलिब्रेटली वो अच्छा डेटा दिया है, ठीक है? तो हम व्हाट वी डू इज, यहाँ पे ना प्लगइन्स होता है एक्सेल पे, तो ऐसे प्लगइन्स में ऐड करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन करके आता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, रिग्रेशन करके आता है। समझ में आया? सिर्फ आप सिर्फ कंसेप्ट देखो कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ओके करूँगा, तो यहाँ पे पूछता है वाई का रेंज क्या है। वाई क्या है हमारे लिए? नेस्ले इंडिया। एक्स क्या है हमारे लिए? निफ्टी 50 का रिटर्न्स, ठीक है? एंड हम लोगों का आउटपुट कितना रहेगा, आउटपुट को कहाँ पे डालना है। तो सपोज यहाँ पे आउटपुट में डालता हूँ, आ गया ये स्टैटिस्टिक्स। समझा कैसे लाना है? ये सेम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे डलवाया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये अभी आउटपुट देखे, मल्टीपल आर क्या है, 1 ही आएगा। क्यों? मल्टीपल आर इज कोरिलेशन, एंड कोरिलेशन हमने देखा कि 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, विच इज 100%। ये क्या बताता है? आर स्क्वायर क्या बताता है? चलो एक एक करके देखते हैं। आर स्क्वायर क्या बताता है कि 100% ऑफ चेंजेस इन वाई कैन बी एक्सप्लेन टू चेंजेस इन एक्स, ठीक है? एडजस्टेड आर स्क्वायर है ना, हम लोग जब और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड करते हैं ना तब वो अलग होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे अभी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, निफ्टी 50। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मेरा जो नेस्ले इंडिया है ना वो निफ्टी 50 पे तो डिपेंडेंट है ही, और करेंसी एक्सचेंज रेट पे भी है। तो फॉर एग्जाम्पल TCS जैसा कंपनी करेंसी एक्सचेंज रेट पे भी तो उसका सेल्स डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा मेरा जो सर्विसेज में केटर करता हूँ आउट ऑफ इंडिया को करता हूँ, तो उसमें मेरे को 2-3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो जब 2-3 वेरिएबल्स लेते हैं ना तभी एडजस्टेड आर स्क्वायर देखते हैं। अभी के लिए वो नहीं है आपको, तो इसके लिए इस पर नहीं जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट SEE, ऑब्जर्वेशन 14 है। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन काउंट जो लिखा है ना वो 14 है, समझा? तो 14 है। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिग्रेशन, रेसिडुअल, ये टोटल, ये याद है सब कुछ? रिग्रेशन का जो ये है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, RSS। एक्सप्लेन्ड पार्ट है ना तो RSS, अनएक्सप्लेन्ड पार्ट को क्या बोलते हैं SSR, और उसका फिर मीन निकालते थे। मीन निकालने का तो क्या करते थे हम लोग रिग्रेशन के लिए, RSS डिवाइडेड बाय 1। 1 क्यों? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे लिए लीनियर के लिए अभी के लिए। एंड रेसिडुअल का करने का रहता तो क्या करते थे, जो भी मेरा SSR है डिवाइडेड बाय N-K-1, ठीक है? तो अभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ,
ये जो रिग्रेशन है उसको कैसे देखने का है, इट इज नथिंग बट बी जीरो प्लस बी वन एक्स वन बराबर। अभी बी जीरो कितना है मेरा, माइनस 0.08, बी वन क्या है मेरा 2, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है मेरा पहले का 10। ठीक है, ये कैसे करने का है वो भी पता है ना, अभी क्या करने का है, बी जीरो कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा बी जीरो है प्लस बी वन क्या है मेरा इंटू एक्स। अभी यही मैं आगे लेके जाना है, थोड़ा बस फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या ये क्या कैसे किया। एंड सॉरी, वाई एंड वाई 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 हैट का डिफरेंस इज व्हाट हम लोग ने देखा है पहले ही। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाई, सब हम लोग ने सीखा कैसे था, वाई सबसे ऊपर, फिर वाई हैट एंड फिर वाई बार। वाई एंड वाई हैट का डिफरेंस क्या है मेरा, अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। अनएक्सप्लेन्ड पार्ट इज नथिंग बट एस एस आर। तो एस एस आर में क्या किया था हम लोग ने, वाई माइनस वाई हैट जो भी आ रहे हैं, बट कितना डेटा पॉइंट्स है, 14 डेटा पॉइंट्स है, तो सबका हम लोग समेशन करते हैं। बट समेशन करने के पहले उसका स्क्वायर करना रहता है, जैसा वेरियंसेस का करते हैं। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे समझो, एक अभी तो यहाँ पे चलो एरर टर्म नहीं है, बट ऐसे अज्यूम करो एक का एरर टर्म यहाँ पे 4% होता, एक का -4 होता, तो वो 4 और -4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और ऐसे लगेगा एरर टर्म ही नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा ना। इसके लिए हमेशा क्या करते थे, वाई माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग सब 14 का करते थे और उसको ऐड करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा एस एस आर। आर एस एस निकालना है तो क्या, हमारा एक्सप्लेन्ड पार्ट जो है वाई हैट माइनस वाई बार, वो हम लोग माइनस करेंगे द होल स्क्वायर एंड समेशन करेंगे तो आर एस एस मिलेगा। ठीक है, एस एस आर का दूसरा नाम, एस एस आर क्या था हमारा, अनएक्सप्लेन्ड पार्ट सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेसिड्यूअल। आर एस एस एक्सप्लेन्ड था तो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वेयर्ड। आर एस एस का दूसरा नाम क्या था, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वेयर। एस एस आर का दूसरा क्या था, एस एस ई सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, समझा। उसका जब हम लोग क्या करते थे, उसको पहले मीन पे लेके आते थे और उसका स्क्वायर रूट निकालते, तो क्या हो जाता था, एस ई ई जो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये एस ई ई है हमारा। तो हम लोग ये सब चेक करेंगे, बैक कैलकुलेट करके भी चेक कर लेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले एस एस आर कैलकुलेट करते हैं। एस एस आर इज वॉट, वाई माइनस वाई हैट एंड उसका स्क्वायर एंड फिर समीशन। तो क्या करने का है, वाई माइनस वाई हैट एंड उसका स्क्वायर, एंड ऐसे करके सबका किया एंड ऐड किया तो जीरो आ रहा है। ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अगर आप यहां पे देखोगे ये हमारा क्या है, एस एस आर है ये और ये सेम है। तो अभी आप बोलोगे सेम थोड़ी है, ये जीरो दिख रहा है, ये तो 5 पॉइंट समथिंग है। अरे वो क्या है, ध्यान से देखो, 5.7524 ई रेस टू -33, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब है ऐसा समझो, कुछ 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इतना करूं ना और करेंगे कैसे आ रहा है, 1 e raised to -14, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है ये, ऑलमोस्ट जीरो ही हुआ ना, 0.00000001, समझा। तो अगर ये परसेंटेज पे करके जीरो दिख रहा है, अगर इसको मैं एक्चुअल वैल्यू लूँ ना तो देखो कितना इसके आसपास आना चाहिए, ऑलमोस्ट आ रहा है ना, मतलब काफ़ी छोटा है, देखो ना ये दोनों ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये दोनों नंबर हमारा सिमिलर है। एक मिनट, ओके दिखा आपको, अभी मैंने उसको जीरो पे रखा हुआ है, बट ये एक्चुअल नंबर देखो 5.16, ये जो भी है ई रेस टू -32, ये ई रेस टू माइनस, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस एस आर। ये अभी के लिए मैं डिलीट करता हूँ, आपको समझ में आ गया ना क्या किया है। ओके, आर एस एस क्या था हमारा, एक्सप्लेन्ड पार्ट, वाई हैट माइनस वाई बार। वाई बार क्या है हमारा, एक्चुअल का एवरेज, तो ये सबका यहाँ पे एवरेज निकाला गया है, तो बेसिकली एवरेज ये सबका, समझा। तो एक्सप्लेन्ड पार्ट क्या है, वाई हैट माइनस ये द होल स्क्वायर, सही बात है। एंड फिर ये सबका किया एंड उसको ऐड किया तो कितना आ रहा है, 9%। 9% इज नथिंग बट कितना, अगर वैल्यू में करें तो 0.091, कितना ये 0.091, तो ये और ये सेम है, समझा। अभी
MSR और RSS हमेशा सेम रहेगा सिंगल के लिए, क्योंकि डिवाइड बाय वन रहेगा। तो ये जो है ये मेरा MSR है, ये और ये दोनों भी सेम रहेगा, सही बात है। ओके उसके बाद MSE जो है वो क्या है, ये कैसे निकालने का है? बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस वन। k कितना है 14, तो n माइनस 14 सॉरी k इज़ 1, n इज़ 14, तो 14 माइनस 1 माइनस 1, तो मैं करूँ तो दिस डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 माइनस 1। तो ये और ये भी लगभग सिमिलर है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, e रेस टू माइनस 34, e रेस टू माइनस 33, वैसे देखने का रहता है, समझा। उसके बाद SEE क्या था, इसका स्क्वायर रूट, इसका जो किया है इसका स्क्वायर रूट SEE है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है ये, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, एंड ये राउंडिंग ऑफ की वजह से। आप लोग को ऐसे नहीं देखना है ये 6.558 है, ये 2.1894 है, वैसे नहीं, ये e रेस टू 17 है और ये भी e रेस टू 17 है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों ज़ीरो है। और कैसे निकाल सकते इसका, जो भी ये मेरा MSE है आंसर, ये एक्चुअल आंसर है ना, 4.7 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे, सॉरी ये कैसे निकाला है, दिस डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो SEE आता है, आना चाहिए ना। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते तो देखो ये और ये सेम आता है आंसर, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ने स्क्वायर रूट निकाला है, तो दिस इज नथिंग बट वॉट SEE। समझ में आया गया क्या अभी, और बेटर तरीके से समझ रहा है, देखो ये तो ऑलरेडी बना बना है, इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करो। अभी हम लोग को हाइपोथेसिस क्या रहता है इसमें, कि मेरे को ये देखने का रहता है कि ये जो पार्ट है ना, ये कोएफिशिएंट कौन सा कलर लेता हूँ, चलो मेरा जो ये एक्स है ना इज नथिंग बट बी वन, मैं चाहता हूँ कि ये बी वन जीरो नहीं रहे ना, बी वन जीरो रहेगा मतलब मेरा कोरिलेशन जीरो है, कोरिलेशन जीरो मतलब घटिया मॉडल है, वो नहीं होना है बराबर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बी वन शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू जीरो, तो मेरा एच ए क्या है, बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच ओ क्या है, बी वन इज इक्वल टू जीरो, जब तक प्रूव नहीं किया है। एंड कैसे देखते हैं हम लोग, टी स्टैट चेक करते हैं हाइपोथेसिस में, टी स्टैट 95% मतलब कितना होता है वो चेक करने का, ये टू टेल टेस्ट है। तो एंड मेरा टी स्टैट देखो कितना बड़ा है, 1.377। आप बोलेंगे अरे अपन जब करेंगे 95% 1.65 ही होता है, अरे ये 1.3778 e रेस टू प्लस 16 है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, समझ में आया। तो ऐसे ऐसे इतना बड़ा नंबर है तो e रेस टू 17 आता है, समझा। एंड हमको कंपेयर किससे करने का है, 1.65 1 पॉइंट, और ये नंबर देखो कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट नल, क्योंकि टी स्टैट बहुत बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू से, क्योंकि ये डेटा अपन ने ऐसा लिया है, कभी भी एक्चुअल डेटा इतना क्लियर आएगा क्या, कि मेरा डिपेंडेंट है किसी इंडिपेंडेंट पे और पूरा 100% एक्सप्लेनेटरी पार है, ऐसा होता ही नहीं है, मैंने वो डेलिब्रेटली डेटा ऐसा लिया। तो देखा आपको टी स्टैट कितना बड़ा दिख रहा है, या पी वैल्यू देखो कितना कम दिख रहा है, टी स्टैट जितना बड़ा पी वैल्यू उतना छोटा, अगर सिग्निफिकेंस मेरा 5% है, मेरा पी वैल्यू तो 1% क्या 0.01% भी नहीं है, 1.439 e रेस टू 188 माइनस में, मतलब ऑलमोस्ट ही जीरो है, समझ में आ गया क्या इतना।